So welcome my dear lovely brothers and sisters, welcome my dear friends, बार बार introduction, तीसरी बार introduction, लेकिन आज की ये series complete करनी है। हमने चालू किया है आज के lecture में अपना क्या image formation by convex lens, image formation by convex lens, उसको आज complete कर ही देना है। इस सीरीज का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा रूल्स की मैं हम कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा जो है उसमें हमने देखा कि थर्ड केस, तीन केसेस देखे उसमें। पहला केस था वो क्या केस बताया था कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, दूसरा हमको बताया कि अगर खुद फोकस पे हो, तीसरा हमको बताया कि अगर फोकस और 2F के बीच में हो। इस समय हम नेक्स्ट थ्री केसेस देखने वाले हैं। जो पहला केस होगा वो ये होने वाला है कि खुद फोकस पे अगर हो जाए तो क्या होगा, फिर होगा कि फोकस 2F पे हो तो क्या होगा, फिर 2F के बियॉन्ड हो तो क्या होगा, और 2F के ज्यादा बियॉन्ड यानी इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा। तो चलिए जो हमारा केस नंबर फोर्थ है उससे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो केस फोर है माय डियर फ्रेंड्स, वो कहता है कि when object is placed एट 2F' 2F' पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा वो हम देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक छोटू सा, एक चुन्नू सा, एक मुन्नू सा क्या करेंगे, अपना कॉन्वेक्स लेंस बना देंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस बना देंगे। उसके बाद देखिएगा उस कॉन्वेक्स लेंस का क्या होगा, अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया 2F', ये फिर इधर हो गया अपना F और इधर हो गया 2F। तो केस क्या है, अगर 2F' पर हम लोगों को ऑब्जेक्ट का, आप एक जगह बैठ जाइए और उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 2F' पर अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये यहाँ पर मेरा छोटू सा क्या हो गया, अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिएगा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर एक रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहा है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से पास करेगा, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। और दूसरा है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करता है वो अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए कि वो अनडेविएटेड रिफ्रैक्शन से होकर के पास करता है। तो उस केस में देखिएगा, अब मैं इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा दिक्कत है मिला देता हूँ। अब देखिएगा उस केस में दोनों का पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, अगर मैं यहाँ पर मिला दूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये एग्जैक्ट 2F पे, इधर ए बी एक इमेज बना, इधर ए बी एक ऑब्जेक्ट है और जो इमेज फॉर्म हुआ A'B' वो एग्जैक्ट 2F पर ही हुआ। इधर भी 2F पे हमारा था इमेज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर 2F पे हमारा ऑब्जेक्ट था, इमेज का फॉर्मेशन भी 2F पर हुआ। दूसरी बात क्या है कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज का इमेज का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड पॉइंट ये है कि रियल हुआ और इन्वर्टेड हुआ। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होता है, द इमेज फॉर्म्ड जो होता है वो पहला ये है कि पहला क्या होता है एट 2F होता है, दूसरा रियल होता है एंड इन्वर्टेड होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, और जो थर्ड पॉइंट है ऑफ सेम साइज होता है, ऑफ सेम साइज एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का अपना इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया अपना थर्ड केस कि अगर 2F पे ऑब्जेक्ट हो तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो भी 2F पर ही होता है, सेम साइज का होता है और क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो चलिए अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अपना केस नंबर फिफ्थ पर। केस नंबर फिफ्थ क्या कहता है कि जो इमेज है वो क्या होना चाहिए, 2F के बियॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, when the object is placed केस नंबर फिफ्थ, beyond 2F' अगर 2F' के beyond अगर हम इमेज
ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज का फॉर्मेशन क्या हो, क्या होगा। तब तक के लिए आप एकदम फोकस होकर के वीडियो को देखते रहिए और सोचते रहिए कि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाई करना है। तो ये हो गया अपना एक कॉन्वेक्स, ये हो गया अपना एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, आई होप आप एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या हो गया, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, अपना एक प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस का फॉर्मेशन किया। ये वाला कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, ये हो गया अपना एक कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर हो गया इसका फोकस, इधर कहीं हो गया इसका 2f, इधर हो गया इसका f, और फिर इधर कहीं हो गया 2f, ये f'f'। अब देखिए ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर हम इसका एक इमेज रखते हैं, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट जो है नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, ऑब्जेक्ट हमको 2f के बियॉन्ड रखना है। ऑब्जेक्ट हमको कहाँ रखना है, 2f के बियॉन्ड रखना है। तो हमने 2f के बियॉन्ड अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, 2f के बियॉन्ड अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट हम पास करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जाती है वो अनडेविएटेड जाती है, उसमें कहीं कोई भी डेविएशन नहीं होता है। तो अब देखिएगा रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया जो फोकस से पास हुआ, और एक ऑप्टिकल सेंटर से गया जो अनडेविएटेड आगे बढ़ गया, वो क्या हुआ, दोनों यहाँ पर आकर के इंटरसेक्ट हुए, दोनों यहाँ पर आकर के इंटरसेक्ट हुए। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से जब प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ तक इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो आप देखिएगा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो F और 2F के बीच में हुआ है, F और 2F के बीच में हुआ है। सेकेंड बार रियल हुआ है, इन्वर्टेड हुआ है, और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट के साइड से, ऑब्जेक्ट है अपना 10 सेंटीमीटर का, और जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है मात्र 5 सेंटीमीटर का, लोअर देन दी स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट हुआ है। तो इस केस में हम लिखेंगे द इमेज फॉर्म्ड, द इमेज फॉर्म्ड इज, पहला बात क्या हुआ, बिटवीन इज is at is between f and 2f, f और 2f के बीच में हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो रियल हुआ है एंड इनवर्टेड हुआ है। तीसरा पॉइंट ये है ऑफ द सेम साइड हुआ है, नहीं नहीं स्मॉलर देन दी, सॉरी माई मिस्टेक, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट हुआ है, यानी स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट हुआ है। इसको हम कहते हैं डिमिनिश्ड हुआ है, डिमिनिश्ड हुआ है, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हुआ है। ये अपना हो गया फिफ्थ नंबर केस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट केस के तरफ, सिक्स्थ केस, जो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए उस केस में हम फिर एक छोटा सा कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया अपना क्या, उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया उसका 2f', इधर हो गया इसका फोकस, इधर हो गया उसका 2f। तो देखिए इस केस में क्या होता है, आपको पता होगा जो भी इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होती है उसे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है। तो जब किसी इंफिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट से दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी जो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद आकर के कहां पे मिल जाएंगी, रिफ्रैक्शन पे आकर के बाद आकर के फोकस पे मिल जाएंगे, वो दोनों रिफ्रैक्शन के बाद आकर के फोकस पे मिल जाएंगे। तो उससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इस केस में अगर जो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो जो इमेज फॉर्म होता है वो एट फोकस होता है,
फोकस पे होता है, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये बताता है कि रियल होता है, रियल होता है एंड इन्वर्टेड होता है, रियल होता है इन्वर्टेड होता है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, जो इससे भी ये पता चला कि ये क्या होता है, रियल रियल इंटरसेक्शन होता है, रियल होता है रियल इंटरसेक्शन, तो ये रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड इमेज होगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ये हाई डिमिनिश होगा। हाई डिमिनिश का क्या मतलब है, हाई डिमिनिश का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। तो यहीं पर अपना तीनों जो आखिरी तीन केसेस थे उनको हम लोगों ने खत्म किया। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर बहुत ही इंजॉय किया। लास्ट में आते आते मैं थोड़ा ऊब गया था, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने लगा था, लेकिन मैं फिर इसके बाद एक समरी लेक्चर लेकर के आऊँगा जहाँ पे आपको पूरी लेक्चर की डिटेल दी जाएगी, कि समरी दी जाएगी कि कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ आई होप कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।